हुण इस वेले दी वड्डी खबर लुधियाणा तो सामने आ रही है। लुधियाणा च दरीसी रोड से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला च अग लगी है। फायर ब्रिगेड दी चार गड्डियां मौके ते मौजूद ते बैंक दे रिकॉर्ड रूम तक अग पहुंच चुकी है। ये जो जानकारी हुण तक मिल रही है लुधियाणा तो मनभागी खबर सामने आ रही है। दरीसी रोड से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दे विच अग लगी है। फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके ते मौजूद ने ते हुण तक जो जानकारी मिल रही है कि अग जो है बैंक दे रिकॉर्ड रूम तक भी पहुंच चुकी है। सो लुधियाणा तो इस वेल दी वड्डी खबर आ रही है। दरेसी रोड ते स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दे विच अग लगी है अते बैंक दे विच काफी रिकॉर्ड पिया हुंदा है अते हुण तक जो जानकारी मिल रही है किया जा रहा है कि बैंक दे रिकॉर्ड रूम तक ये जो अग पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड दी चार गड्डियां मौके ते मौजूद है ते अग बुझाउण दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही ने। नवीन शर्मा सी मीडिया पत्रकार साना फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी नवीन, किवें लगी अग, हुण की हालात ने ते किन्ना कु नुकसान होया है, की कुछ जानकारी है? देखो अर्श, अजे तक नुकसान की जी जानकारी है हजे तक नहीं पता लग सकी क्योंकि जी अग है सवेर की लगी हुई है। लुधियाना का दरेसी रोड जरा रोड है वो नाल एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है उसनों अग लग गई। उस जो रिकॉर्ड रूम है जिन्हें भी अंदर वो सारे सड़ चुके हैं। जिड़िया दमकल फायर ब्रिगेड दी गड्डियां ने जिड़िया चार वो मौके पर ने अग बुझाने की कोशिशें जारी ने। अग किवें लगी हजे इसका पता नहीं लग सकता क्योंकि जो सवेरे सारे मुलाजम बैंक के जो सवेरे आए थे उस वे अग लगी हुई थी। सो हजे भी अग लगी है जिहड़ियां फायर ब्रिगेड दी गड्डियां ने वो मौके पर ने। जी नवीन, की कुछ मतलब पता लग रहा है, हालात किस तरीके दे ने, की लग दे, किन्ने घंटे होर लगणगे, किन्ने कु भयानक अग है? देखो अर्श, जिहड़ी अग है उहदे उत्ते हजे जिहड़ा हुणे अपडेट मिली है जिहड़ी कंट्रोल उहदे उत्ते थोड़ा बहुत कर लिता गया पर हजे अग बुझी नहीं क्योंकि जिहड़ा जिहड़े अंदर रिकॉर्ड रूम है वो सड़ के सुआह हो चुके हैं क्योंकि अंदर रिकॉर्ड रूम तक अग पहुंच चुकी है। जिहड़े कर्मचारी ने दमकल भी फायर ब्रिगेड दे वो कोशिशां कर रहे ने जल्दी ही अग ते काबू पा लिता जाएगा। जी धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी दे लई। लुधियाणा तो मनभागी खबर सामने आई। दरेसी रोड से जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से उत्थे अग लगी है ते रिकॉर्ड रूम भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड रूम तक जो अग पहुंच चुकी है। अगे वधदे बठिंडा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा सेंटर तक पहुंच चुका है ते हुण इसका विरोध कर रहे जथेबंदियों की शिकायत है। प्रधानमंत्री ने इसका नोटिस लेंदिया संबंधित मंत्रालय ते महकमियां नूं तुरंत जांच के हुक्म दिते ने। बठिंडा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा सेंटर तक पहुंच चुका है ते हुण इसका विरोध कर रही जथेबंदियों की शिकायत से प्रधानमंत्री ने इसका नोटिस लेंदिया संबंधित मंत्रालय ते महकमियां नूं तुरंत जांच कर बनती कार्रवाई के हुक्म दिते ने। इस तो बाद इलाका वासी आस बजी है इस तो जल्द मुक्ति दी। मानयोग मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जी ने इनकुआरी मार की है उन्होंने नाल सानू एक नंबर भी दिता है जो असी वैबसाइट पर देखते रहते हाँ ता कि साढ़े हुण इस केस का स्टेटस की है। सानू हुण थोड़ी जी आस बजी है। इस प्लांट का 14 कलोनिया के लोग विरोध कर रहे सन ते लोगों का कहना है जे समस्या का हल हाले भी नहीं निकलिया तो 2017 विधानसभा चोणां का मुकम्मल बाइकाट करनगे। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਚਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ पहल ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ। अगे वधदिया 12 अप्रैल यानी आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर आज रोहतक के खास प्रोग्राम करवाया जा रहा है। मिशन एकता समिति के सूबा प्रधान कांता लाड़िया वालों करवाए जा रहे इस प्रोग्राम के एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र बतौर मुख मेहमान शिरकत कर रहे हैं। सुभाष चंद्र रोहतक पहुंच चुके हैं।
रोहतक दी शिव धर्मशाला विच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी जयंती दे मौके उते मिशन एकता समिति दी मुखी श्रीमती कांता आलड़िया दे वल्लों खास प्रोग्राम दा प्रबंध किया जा रहा है। इस खास प्रोग्राम विच एसएल ग्रुप दे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा बतौर मुख मेहमान शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम सवेरे 10 बजे तो शुरू हो जाएगा अते बाबा साहब दे 125वें जन्म दिहाड़े दे मौके नूं यादगार बनाउण दे लई 125 किलो दा एक खास केक कट्टिया जाएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का प्रोग्राम है, मेरे घर पर आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, हमने रखा है उनके लिए, और उसके बाद अंबेडकर चौक रोहतक में बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करके उसके बाद यहाँ प्रोग्राम में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रोग्राम विच पहुंचने तो पहला एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा अंबेडकर चौक उत्ते पहुंचेंगे, जिथे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति उत्ते श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहतक में होने जा रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। इसके बाद वो अगले कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। इस शानदार प्रोग्राम नु लेके तैयारियां भी शानदार कीतियां गईयां ने। प्रोग्राम दे प्रबंधक अते आम लोग इस नु लेके बेहद उत्साहित नजर आ रहे ने। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, रोहतक।